Subscribe to Movie Talkies and click on the bell icon for latest updates. काफी यंगस्टर फॉलो करते हैं सर आपको, तो क्या वजह थी जो इस कार्यक्रम से जुड़ने का लाइट किसी के पास है क्या? नहीं, मैंने जैसे बताया कि आचार्य जी जो हैं वो इस माध्यम के जरिए बहुत सारे यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं और इतने सारे अलग अलग धर्म के धर्मगुरु, इतने बड़े बड़े प्रतिनिधि वो आ रहे हैं और इतनी सुंदर सी बात कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, एक ही मंच पे आना है, इंटरफेथ के मंच पे वर्ल्ड पीस की बात करनी है। और मुझे लगता है कि इस वक्त जबकि पूरी दुनिया में तनाव ज़्यादा है, वर्ल्ड पीस की बात करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेंज द डिस्कोर्स। जो बातें चल रही हैं वो अच्छी नहीं चल रही हैं। कड़वी बातों को हटाने के लिए, कड़वाहट को हटाने के लिए मिठास की ज़रूरत है। सो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट वर्ल्ड पीस। सर, आप हमेशा सोशल कॉज को सपोर्ट करने में जाने जाते हैं, तो आप पर्सनल लेवल पे आप कैसे मतलब प्रमोट करने वाले वर्ल्ड पीस को, क्योंकि यंगस्टर भी आपको बहुत फॉलो करते हैं? भाई, मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बनके, जैसे जितने बड़े हमारे धर्मगुरु हैं ये जैसे जैसे मार्गदर्शन करेंगे, जैसे जैसे गाइड करेंगे, मैं अपने जो भाई हैं, जो अपनी बहनें हैं, अपने जो दोस्त हैं, मेरे जो यूथ फॉलोअर्स हैं, उनको प्रेरित करना चाहूँगा कि ये भी एक चेहरा है धर्म का। बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जो सिर्फ पॉलिटिक्स से ही डिसिल्यूजन नहीं हुए हैं बल्कि धर्म से भी डिसिल्यूजन हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म का एक बहुत अगली फेस देखा है, एक बहुत बुरा चेहरा देखा है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि धर्म का चेहरा इतना खूबसूरत, इतना सुंदर भी हो सकता है कि इतने बड़े बड़े हस्ती सब एक ही मंच पर आ रहे हैं और एक एक आवाज़ में एक सुंदर बात कर रहे हैं। थैंक यू।